ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तो हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो बढ़िया होंगे और आपका गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस वापस से मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमारे गेम के अंदर आ चुका है M4A1 का ये ईओ गन स्किन, जो कि यार बहुत दिनों से हमारे सर्वर के अंदर में पेंडिंग में था, लेकिन गाइस आज फाइनली ये वाला गन स्किन हमारे गेम के अंदर आ चुका है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ M4A1 के इस ड्रैको गन स्किन के बारे में यार, जो कि आज हमारे गेम के अंदर आ चुका है। और गाइस मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे बंदों के मन में मतलब कि यार ये तो आया ही होगा कि भाई ये वाला गन स्किन कैसा गन स्किन होने वाला है। तो गाइस तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहाँ पे है तुम लोग को बताने के लिए कि भाई ये वाला गन स्किन कैसा गन स्किन है, इसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है और क्या तुम लोग को अपने डायमंड वेस्ट करके इस गन स्किन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इस गन स्किन के बारे में, एक एक माइनस पॉइंट के बारे में, एक एक प्लस पॉइंट के बारे में। साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि भाई ये वाला गन स्किन जब लेवल 1 पे रहेगा तो इसके अंदर तुम लोग को कितना करके डैमेज देखने के लिए मिलेगा, यानी कि गाइस लेवल 1 पे इसका जो डैमेज है सामने वाले बंदे के ऊपर कितना करके पड़ता है ये भी मैं बताऊंगा। और गाइस अगर आप लोग इसको लेते हो लेवल 4 का अपग्रेड करते हो तो गाइस उस वक्त इसका डैमेज कैसा करके आता है सामने वाले बंदे के ऊपर, मतलब कि गाइस तुम लोग ये समझ लो, अगर तुम लोग सोच रहे थे कि भाई ये वाला गन स्किन लेने से पहले एक बार मैं इस गन स्किन का डैमेज रिव्यू देख लूं, तो गाइस यहां पर तुम लोग एकदम बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इस गन स्किन का फुल डैमेज रिव्यू देने वाला हूं और गाइस उसके बाद में मैं अपना लास्ट ओपिनियन आप लोग को बताऊंगा कि क्या आप लोग को ये वाला गन स्किन लेना चाहिए या आप लोग ये वाला गन स्किन नहीं लेना चाहिए। तो गाइस चलो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस बात करते हैं हम लोग यहां पे सबसे पहले लेवल 1 के बारे में, क्योंकि गाइस अगर आप लोग इस गन स्किन को निकालोगे तो पहले ये वाला गन स्किन लेवल 1 पे रहेगा। और गाइस लेवल 1 का अगर बात करता हूं तो लेवल 1 के अंदर आप लोग को डैमेज सिंगल अप देखने के लिए मिलेगा, रेट ऑफ फायर सिंगल अप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गाइस यहां पे रीलोड स्पीड आप लोग को डबल माइनस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस लेवल 1 पे ये वाला गन स्किन सामने वाले बंदे को ऊपर 31 करके यहाँ पे बॉडी डैमेज देगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप लोग को 170 करके हेडशॉट देखने के लिए मिल जाएगा जब इसके अंदर सिंगल डैमेज रहेगा, तो यानी गाइस लेवल 1 पे। और वहीं पे अगर आप लोग इसको मतलब लेवल 4 का अपग्रेड कर लेते हो, जब ये वाला गन स्किन लेवल 4 का आ जाएगा तो गाइस इसके अंदर आप लोग को डबल डैमेज अप देखने के लिए मिलेगा, रेट ऑफ फायर सिंगल अप देखने के लिए मिलेगा और गाइस यहाँ पे रिलोड स्पीड डबल माइनस से सिंगल माइनस हो जाएगा। तो गाइस ये वाला गन स्किन जब लेवल 4 पे रहेगा तो इसका लुक आप लोग को थोड़ा सा चेंज हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो बॉडी डैमेज आप लोग को लेवल 4 पे 33 करके ये वाला गन स्किन निकाल के देगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग को 181 का हेडशॉट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी गाइस 181 का हेड देखने के लिए मिल जाएगा और गाइस यहाँ पे 33 का बॉडी डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा लेवल 4 पे। और गाइस अगर बात करता हूँ मैक्स लेवल का, तो गाइस ये वाला गन स्किन जब मैक्स लेवल पे हो जाएगा तो गाइस इसके अंदर आप लोग को सेम वही लेवल 4 वाले एट्रीब्यूट देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोग को लेवल 7 पे आप लोग को थोड़ा सा लुक चेंज हुआ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और इसके अंदर आप लोग को एक्स्ट्रा डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यार बेसिकली ग्लोअल के ऊपर एक्स्ट्रा डैमेज देता है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग को डैमेज उतना ही देखने के लिए मिलेगा जितना कि यार लेवल 4 का डैमेज देखने के लिए मिलता है। तो गाइस यहाँ पे लेवल 4 को अपग्रेड करो या लेवल 7 तक ही रखो, आप लोग को डैमेज बिल्कुल सेम ही देखने के लिए मिलता है। बस यहाँ पे लेवल 7 पे आप लोग को ये वाला इमोट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यार काफी ज्यादा ओपी यहाँ पे लग रहा है। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये वाला गन स्किन कैसा लगा मेरे को और क्या आप लोग को ये वाला गन स्किन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो गाइस देखो अगर मैं इस गन स्किन को कंपेयर करता हूँ, इस गन स्किन का डैमेज को अगर मैं कंपेयर करता हूँ एक नॉर्मल M4A1 के साथ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और गाइस मेरे हाथ में है एक नॉर्मल M4A1। तो यहाँ पे तुम लोग नॉर्मल M4A1 का डैमेज देख सकते हो, बॉडी डैमेज नॉर्मल M4A1 29 करके डैमेज देता है और गाइस गन स्किन 33 करके डैमेज दे रहा था। और गाइस यहाँ पे नॉर्मल हेडशॉट तुम लोग को 159 का देखने के लिए मिल जाएगा और गाइस वहीं पे गन स्किन के साथ यहाँ पे 181 का हेडशॉट देखने के लिए मिल जा रहा था। तो गाइस यहाँ पे नॉर्मल डैमेज में और गाइस यहाँ पे डबल डैमेज में आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफेंस तो देखने के लिए मिलेगा ही, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा डिफेंस देखने के लिए मिल जा रहा है नॉर्मल डैमेज में और गाइस यहाँ पे डबल डैमेज में। लेकिन गाइस वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एक सिंगल डैमेज वाले गन स्किन का, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, तो गाइस यहाँ पे समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब यार एक थोड़ा सा आइडिया लगाओ, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक सिंगल डैमेज वाले गन स्किन के बारे में। और गाइस सिंगल डैमेज किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आप लोग को इस गन स्किन के अंदर आप लोग को सिंगल डैमेज अप देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यार इस गन स्किन को कंपेयर करूँ ईओ गन स्किन के साथ।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई सच बोलूं यहाँ पे मजा तो आएगा जब मैं यहाँ पे ईओ गन स्किन को कंपेयर करूंगा स्कॉर्चिंग सैंड गन स्किन के साथ। तो गाइस यहाँ पे कितने बंदे एक्साइटेड है यहाँ पे इन दोनों गन स्किन का कंपैरिजन देखने के लिए। तो भाई इसी बात पे यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस सच में बोल रहा हूँ भाई पाप लगेगा। मतलब कि यार इतना ज्यादा मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि यार रात के 2-3 बज रहे हैं उस टाइम में ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई यार इस बात के लिए लाइक तो बनता है आप लोग को यहाँ पर सही चीज के बारे में बताने के लिए। मैं यहाँ पे इतना देर तक जग के काम कर रहा हूँ तो भाई इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोग को मेरा चैनल सही लगे तो। गाइस चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बाय।